नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि एक बथुआ है जो कि खेतों में ऐसे ही पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, कोई लात मार के चला जाता है, कोई उसको फालतू की चीज़ समझते हैं और उसके सब्जी भी बनाते हैं, सूखा साग बनाते हैं, कहीं परोठे बनाते, सब कुछ बनाते हैं। तो ये इतना प्रचुर मात्रा में होने पर इसमें क्या क्या हम लाभ उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ ये काम आ सकता है, इन विषयों को आज मैं लेकर के आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम प्रदीप है। चलो प्रारंभ करते हैं अपनी बात को। तो मतलब ये है कि जो हमारे पास बहुत नज़दीक है तो उसकी कीमत होने पर भी हम कीमत नहीं करते क्योंकि हमारे पास है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमारे पास होकर के भी बहुत काम की चीज़ है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बीमारियों में काम आएगा, इन सभी विषयों को आज मैं लेता हूँ। इसमें क्षार बहुत होता है जिसको शिकायत हो, जैसे कि क्षारीय होने पर क्या है, जिस व्यक्ति को अगर जो सांस की बीमारी है या ब्लड एसिडिटिक हो गया या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है तो इसको बथुआ को नित्य सेवन करने से क्षार खत्म हो जाए, मतलब एसिड खत्म हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा और इससे सांस की बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि एल्कलाइन ब्लड को करना पड़ता है। सांस की बीमारी में ब्लड एसिडिटिक हो जाता है, उसको एल्कलाइन करने के लिए बथुआ बड़ा ही अच्छा लाभकारी है और इसे नियमित लेने से इससे सांस की समस्या पर भी हम निजात पा सकते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि इसे सांस की बीमारी वाले या जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है या फिर हम अन्य कोई समस्या से ब्लड की कोई समस्या है तो उसमें कोई परेशान है तो उससे भी होता। दूसरा ये है कि इस ये पथरी को भी बहुत अच्छी तरह गलाता है, जिसको जिसके किडनी में अगर जो पथरी पड़ गई हो 15 इंच तक की, 12 mm की यदि किडनी में यदि पथरी पड़ गई और बथुआ का नित्य सेवन करते हैं तो आप की किडनी खत्म हो जाएगी। और इसका हम रस भी ले सकते, कच्चा बथुआ भी खा सकते, इसके बीज का भी काढ़ा बना के पिया जाता। किन किन विषयों में काम आता है ये सभी विषयों को ले रहा हूँ। तो अगर जो ये पथरी तोड़ देता है, अगर जो इसका हम रस पिए या फिर रस लेना है तो 15 ग्राम लेना है, और अगर जो बथुआ का साग खाना तो साग खाना ही है। और इसको क्या है, जैसे मूत्र विकार है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, परेशानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, यदि ये समस्या है तो इसके लिए हम बथुआ को इस्तेमाल करके अपना काम निकाल सकते हैं और इसे बड़ा ही अच्छा वो है। और ये पाचन में बहुत अच्छा है, कीड़े जो पेट में हैं तो उसको भी नाश करता है और मूत्र में कोई भी समस्या है तो दूर कर देगा और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। और किडनी रोगियों के लिए इसके बीज का काढ़ा बना करके देना होता है, किडनी रोगियों के लिए बीज निकालें, उसको पीस करके उसका काढ़ा बना करके यदि पिला दे तो किडनी के सारे रोग, बस इसमें एक दोष है, यह गर्भिणी स्त्री को नहीं देना चाहिए। गर्भिणी स्त्री दे तो ये इसको गर्भघाती कहा जाता है, यह पेट के में पड़ रहे बच्चे को ये मार देता है, ऐसी हमें जानकारी है। तो इसलिए इस गर्भिणी स्त्री को नहीं देना चाहिए, या फिर जिसका मासिक धर्म रुक गया हो और उसको चालू करना हो तो भी काम आ जाएगी। दूसरी बात यह, मासिक धर्म ठीक से नहीं चल रहा तो भी उसको लेने से बहुत अच्छा काम आता है। बीज को कूट करके 15 से 20 ग्राम बीज को और 400 ग्राम दूध में उबाल करके इसको पिए और इसमें सौंठ मिला करके पीने से यह पीरियड के समय कोई भी तकलीफ है, दर्द है, कोई भी समस्या है, इसको बड़ी आसानी से ये ठीक करता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। बड़ा ही लाभकारी बथुआ है, बथुआ जरूर लेना चाहिए हर व्यक्ति। शहरों में तो बिकता है 10-20 रुपए किलो, देहातों में भैंसें भी नहीं खाती हैं, लेकिन लाभकारी बहुत है। इसको कच्चा भी खाने से बहुत अच्छा लाभ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दें। नमस्कार, जय हिंद।